हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार रेसिपी जिसका नाम है खमण। वैसे तो ये एक गुजराती डिश है, बट एमपी और राजस्थान के लोग भी इसे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊँगी कि घर पर खमण कैसे बनाते हैं, वो भी एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। खमण बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कटोरी बेसन, जिसे हम एक बड़ा बाउल के अंदर डाल देंगे, और इसी कटोरी साइज से एक चौथाई कटोरी सूजी लेंगे। इसे भी हम इस बॉल के अंदर डाल देंगे। मैं इसके अंदर डालूंगी एक कटोरी छाछ। छाछ हमारी फ्रेश नहीं होना चाहिए, छाछ एक दिन पुरानी होना चाहिए। अगर आपके पास दही हो तो आप दही का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दही यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा। अगर आप छाछ यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमको पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसे छाछ से घोल सकते हैं। इसे अच्छे से हिला लेंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छे से हिला लिया है और अभी तक मैंने इसमें सिर्फ बेसन, सूजी और छाछ का यूज़ किया है। इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं डाला है। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम खमण के मीठे पानी की तैयारी कर लेते हैं। मीठे पानी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक हरी मिर्च। तीखा खाने वाले लोग 2 से 3 हरी मिर्च लें। और यहाँ पर मैंने लिए है कुछ कड़ी पत्ते, और यहाँ पर मैंने ली है 1 छोटी चम्मच राई। मैंने यहाँ पर बर्तन गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल देंगे। सारी चीज़ें में जैसे ही तड़का आने लगे और हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे। इस पानी के अंदर एक बॉईल आने लगे, हम इसके अंदर 3 चम्मच शुगर डाल देंगे। इस पानी को बनने में मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है। हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे लगभग 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। देखिए, अब हमारा पानी बनकर रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम चलते हैं हमारे घोल की तरफ। देखिए, अब हमारे घोल को चेक कर लेते हैं। हमारा घोल पहले से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी और छाछ डालेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी का यूज़ किया है, इसलिए ये गाढ़ा हो गया है। और सूजी आप हमेशा मोटी वाली ही लें खमण के लिए। देखिए, हमारी घोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रहेगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये आधा नींबू का रस, और इसे भी हम अच्छे से हिला लेंगे। इसके अंदर डालेंगे 1 स्पून नमक, और अब इसे भी अच्छे से हिला लेंगे। पर लिया है इडली पॉट का सांचा, इसे हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा खमण जो है नीचे चिपके नहीं। मैंने सांचे को ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। अब सबसे लास्ट में हम घोल में डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। ध्यान रखिए दोस्तों, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में डिफरेंस होता है। बेकिंग पाउडर ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है और बेकिंग सोडा इसकी आधी क्वांटिटी में लगता है। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी। अब इसके अंदर डालूंगी मैं 1 किलो का पाउच। अब हम इसे अच्छे से घोल लेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, हमें इसे एक ही डायरेक्शन में घोलना है और हमें इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलाना है। बहुत ज़्यादा हिलाने से इसके सारे बबल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये हमारा खमण जो है स्पंज नहीं होगा, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलाएं। देखिए, मैंने इसे अच्छे से घोल लिया है। हमारे घोल के अंदर बहुत अच्छे बबल्स आने लगे हैं। अब हम इसे सांचे के अंदर डाल देंगे। अब हम इसे 1 से 2 बार टैप करेंगे ताकि इसमें किसी तरह की कोई एयर ना आए। अब हम इसे इडली पॉट में रख देंगे। मैंने इस पॉट के अंदर 4 ग्लास पानी डाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर खमण की प्लेट रखी है। अब हम इस पॉट का ढक्कन लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 30 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे खमण को पकते हुए लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारे खमण को चेक कर लेंगे कि हमारा खमण पका है या नहीं। अब हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, हम इसमें एक नाइफ की हेल्प से इसे चेक करेंगे। हम नाइफ इसके अंदर डालेंगे। अगर हमारा नाइफ बिल्कुल क्लीन निकलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा खमण जो है पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके पीसेस कट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ये मीठा पानी डालेंगे, जिसे कि हमने पहले ही बनाकर रेडी कर लिया था। ध्यान रहे कि ये सारा पानी हमें एक ही जगह नहीं डालना है, इसे चारों तरफ फैलाते हुए डालना है। हमारा खमण सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी है।
आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे कढ़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। पर्सनली मैं इसे कढ़ी और नमकीन के साथ खाना पसंद करती हूँ, अगर आप भी चाहें तो इसे कढ़ी और नमकीन के साथ सर्व कर सकते हैं। कढ़ी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा खमन मनकन पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप मेरे इस खमन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी इस खमन की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको एक पीस निकाल कर बता देती हूँ कि हमारा खमन जो है कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा खमन कितना सॉफ्ट और स्पंजी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।